तुम्हारे सामने देखो आदमी जो मिल्कियत जो हमारी थी हमने तो किसके वास्ते काम आना चाहिए हमारा पहला सवाल खाली वक्त ना था भाई जब तुम्हें लुटेरे बैठी इसके अंदर तुम्हें एक अच्छी से तुम्हें खौम को हाजिर नहीं ला सकते तो खौम कैसे पढ़ को एजुकेटेड बन सकते उल्टा तुम्हें खौम को बदनाम कर रहे कि इनके अंदर सलीखा नहीं है इनके अंदर हिलम नहीं है उन्हें खोल के बोलता पिक्चर डालने वाली खौम जबकि ये खौम न्यूक्लियर बम बनाते हमें क्या वो इधर वो पैसे के पीछे पड़ना चाहिए यानी हमारी मिल्कियत के पीछे उसके फल पते हमें उठना चाहिए तो ये सारी चीज हमें सदा इत्तेहाद की तरफ से आपके सामने पेश कर रही कि बराए मेहरबानी तो बराए मेहरबानी तुम्हें माइनॉरिटी पनिश पिक्चर में तुम्हारे अंडर में 30 सेक्शन है तुम्हें 30 सेक्शन के ऊपर है तुम्हारा एक मिनिस्टर लेवल का होता है तुम्हें तुम्हारी हुकूमत के अंदर कैसा कर यत्ता सब कुछ रहने के वास्ते रहने के बावजूद आज हमें बेवारसी की तरह हो गए हमारा कोई वारिसदार नहीं है हर कोई सियासतदान कोई नाता जरा शो मारता है उन्हें बोलता मैं खौम का लीडर जरा आत्मा में खड़को जरा पीछे फेंकता उन्हें दिखाता मैं खौम का लीडर ये खौम का हो रहा क्या सर अभी तुम्हें पावर क्या दिखा रही किससे दिखा रही कहां चला रही इसका कितना फायदा खौम को दे रही ये सदा इत्यादि पूछ रहे खाली वोटा के बारे में आगे उसके बारे में आगे हर एक सियासतदान क्या बोलता है भाई मुसलमान के वोट आगे तुम्हारा काम है कि तुम कैसा फॉर्म को लेकर चल रहा क्योंकि तुम्हें स्टेट के तुम्हें रहे वाला फॉर्म को तुम्हारे सिवा कौन भी यहाँ कोई मुसलमान मिनिस्टर नहीं है कोई दूसरा भी गवर्नमेंट बात लेकर जाने वाला नहीं है तुम्हें पूरे स्टेट के वास्ते तुम्हें आज रहे तुम्हारे सामने बात आपको अब तुम्हें फेस करो से कैसा कर एक गलती हमारे वक्फ का काम नहीं था अजान के बारे में बात करने का वो पोल्यूशन वाले का डिपार्टमेंट था तो पोल्यूशन वाले बोलने का राइट था उनको ये यूसुफ भी पीसुफ उठने की जरूरत नहीं आती बीच में इनको कौन राइट दिया उलमा के ऊपर इन्होंने ऑर्डर करने महा उलमा बन के की ऑर्डर करने के वास्ते इतने इतने बड़े उलमा इतने इतने बड़े मुफ्तिया मौजूद थे इनको बिना राय मशवरा करे भाई ये बात हमारे सामने आपको है हमें क्या करना ये बात उन्होंने पूछे कैसा मनमानी करे उन्होंने एकदम ऑर्डर सदाए इत्तेहाद ये एक बहुत ही रेस्पॉन्सिबल इदारा कर्नाटक में 8-10 साल से काम करता आ रहा है आज ये डेलीगेशन हमारे मुजाहिद बाबा जी के सदारत में माइनॉरिटी कमीशन के ऑफिस पहुंचा है उन्होंने एक मेमोरेंडम भी पेश किया है उस मेमोरेंडम में बहुत सारे चीजों का जिक्र है और जो परसों वक्फ बोर्ड के सीईओ अजान के बारे में जो स्टेटमेंट दिए हैं जो सर्कुलर निकाले हैं उसकी सख्त लफ्जों में उसकी मजम्मत की है क्योंकि यह एक ऐसा मसला है इनको सोच समझकर बयान देना चाहिए था बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू है उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की मीटिंग में यह फैसला लिया गया और वक्फ बोर्ड के मेंबरान जो हैं
सारी जिम्मेदारी सीओ के ऊपर डाल दिए। ये मसला जो है, जिम्मेदार हजरात जो भी स्टेटमेंट देते हैं, सोच समझ के देना पड़ेगा। कम्युनल हार्मोनी को कोई तरह का धक्का ना हो। ये जो काम इन्होंने, मैं समझता हूं कि इनकी इमेच्योरिटी से स्टेटमेंट दिया गया है, जिम्मेदाराना स्टेटमेंट नहीं है ये। इसके लिए पूरे वक्फ बोर्ड को जिम्मेदार ठहराता हूं। मुलाकात का मकसद यह है, इससे पहले सदा इत्तेहाद की तरफ से औकाफ के सीईओ से मुलाकात किए थे, तो उसके मुताबिक जो उनको जो माइनॉरिटी कमीशन को जो रिपोर्ट देना था, वो रिपोर्ट देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। और उसके साथ साथ में जो है, कौम की जो फिक्र होना चाहिए, वो फिक्र की बातें हमने माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन साहब के सामने रखे। अब वो फिक्र में क्या थी कि जो मिल्कियत थी, वो मिल्कियत के अंदर जो है हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और वहाँ से जो इनकम का ज़रिया हो, वो इनकम कर जो कौम के लिए काम आए, वो पैसा जो है कौम को लगाएं, ताकि वो मिल्कियत बेकार ना पड़ी रहे। अब तक जो चले गई मिल्कियत है उसको वापस लें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी आर्डर है कि जो एक बार वक्फ हो गया वो वक्फ की है। इसलिए बोर्ड का फ़र्ज बनता है कि जो मिल्कियत गई उसे वापस लें, जो मिल्कियत बाकी है उसे तिजारत के ज़रिए या कौम के लिए मकान बनाने के ज़रिए या स्कूल कॉलेज के ज़रिए उस जो खाली प्रॉपर्टी को इस्तेमाल में लाएं, ताकि कौम का भला हो। ये सारी बातें हमने माइनॉरिटी कमीशन के सामने रखी है। उन्होंने वादा किया है कि यह बात जो है सीएम तक भी ले जाएंगे, और तमाम तीनों बोर्ड को मैंने बुलवाया है, एक हफ्ते के अंदर सारी बातें रखेंगे, उसके आगे जितना बन सकता वो काम करेंगे, उन्होंने हमसे वादा किया है। उसका एक वाहिद मकसद यही है कि जो वक्फ बोर्ड के अंदर आए दिन जो ये खबरें नशर हो रही हैं कि फला खबरस्तान में वो सुअर चर रहे हैं, गंदे जानवर चर रहे हैं, कहीं ये खबर आती है कि इतने लाख रुपए ले लिए गए लेकिन जो है ना कॉम्पाउंड के नाम पर कॉम्पाउंड नहीं बनाया गया, फिर कहीं ये खबर आती है कि 2000 इलीगल कमिटीज़ अभी भी चल रही हैं, निज़ाम मुस्तहकम नहीं है, मजबूत नहीं है। ये इतनी लापरवाही, इतनी सुस्ती और ये गफलत है, हमारी पूरी कम्युनिटी को इस गफलत ने तहत तह कर दिया है और बर्बाद कर दिया है। चेयरमैन कर्नाटक स्टेट माइनॉरिटी कमीशन से मिले, जैसा कि उन्होंने बताया कि हमारे कुछ मारूजात हैं, डिमांड्स हैं कि उसको क्लारीफाई किया जाए, वक्फ बोर्ड की एक मीटिंग बुलाई जाए, जो भी कंसर्न्ड हैं उनके साथ एक मीटिंग करके उसका क्लारिफिकेशन हो, और जो भी हो सके कौम की फलाह बहबूदी के लिए इंशाल्लाह सदा हर 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 टाइम पे सामने रही है, इंशाल्लाह आगे भी साथ रहेगी, सामने रहेगी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह एक बड़ी उम्मीद हम लोगों के अंदर जागी हुई है और अच्छी उम्मीद है इंशाल्लाह काम होगा, और जो भी औकाफ के ज़रिए से या औकाफ के ज़िम्मेदारों की तरफ से जो कुछ जो है हालात दुरुस्त करने की बात उन्होंने की है, इंशाल्लाह उस पर भी उम्मीद रखकर ही हम लोग चलेंगे इंशाल्लाह। वो मीटिंग का एक नतीजा मैं जो लिया हूँ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि आमतौर पर मुसलमानों के जहन में ये बात है कि कोई खास जब हुकूमत बैठती है तो उससे राबता करते हैं, लेकिन जब कोई और हुकूमत आती है तो लोगों के जहन में बात होती है तो ये नहीं, ये तो हमारे दुश्मन है, ये तो हमें नहीं चाहते, इनसे हमें क्या गिला करेंगे, क्या शिकायत करेंगे। इस तरह का जो हमारे मुसलमान मुआशरे में मिजाज बना हुआ है इसको हमें खत्म करना चाहिए। हुकूमत बैठी है काम करने के लिए और हुकूमत को बिठाया है हम लोगों ने वोट दे करके। कौन सी भी पार्टी बैठे अगर कोई मसला है तो उस हुकूमत जो पार्टी बैठी हुई होती है उससे जाकर के राबता करें, अपने बातें पेश करें, और हमें उम्मीद यही है कि जिस तरीके से कोई और हुकूमत बैठती है तो हमारा काम बनाती है, हमारा ये यकीन बनना चाहिए कि जो भी हुकूमत बैठेगी चाहे वो सेंट्रल में हो चाहे वो स्टेट में हो वो हमारा काम करेगी।